नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं मनीष गौड़, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आज मैं आप सबको बताऊंगा शिव जी को जल चढ़ाने का सही समय क्या होता है और क्यों शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा नहीं की जाती बल्कि आधी परिक्रमा की जाती, और साथ ही क्यों कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग की पूजा तो कर सकती है लेकिन शिवलिंग को छूने से माँ पार्वती का क्रोध सहना पड़ सकता है। इन तमाम सवालों और दिलचस्प जानकारी के साथ मैं लेकर आया हूं आज का शानदार एपिसोड। सारे देवों में शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ को ब्रह्मांड का आदि अनंत माना गया है, लेकिन शिवलिंग पर सही चढ़ाने का समय क्या होता है यह प्रश्न अक्सर हमारे मन में आता रहता है। वैसे तो शिवजी पर जल सूर्योदय से एक घंटा पहले और सूर्योदय के एक घंटे के बाद जल चढ़ा देना श्रेष्ठ रहता है, लेकिन फिर भी समय के अभाव के कारण दोपहर 12 बजे से पहले पहले शिवजी पर जल अर्पित कर देना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि शिवजी को शाम को भी जल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन शुभ फल तो सुबह जल अर्पित करने से ही मिलते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। लेकिन जो महिलाएं प्रदोष का व्रत रखती है वो महीने में प्रदोष काल के दिन साय के समय एक घंटे पहले महादेव को जल अर्पित कर सकती है, क्योंकि प्रदोष की पूजा तो प्रदोष काल यानी साय के समय ही होती है। सिर्फ मात्र प्रदोष के दिन ही शाम को शिवजी पर जल चढ़ा सकते हैं, अन्यथा 12 बजे से पहले पहले जल चढ़ाना शिवदिन पर शुभ माना गया है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है शिवजी को जल की धारा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें, जल के पात्र से धार बनाते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें बैठकर ही जल अर्पित करना चाहिए, यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर शंख से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। शिव पुराण में बताया गया है शिवजी ने शंखचूर्ण नामक एक दैत्य का वध किया था, और ऐसा माना जाता है शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पूजा के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। अगर किसी के जीवन में परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो शांत चित्त होकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध, मिश्री, इलायची, हल्दी डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने से तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि आप पर कर्ज की स्थिति चली आ रही है या कोई गंभीर बीमारी है और दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है तो आप शिवलिंग पर गन्ने के रस अभिषेक करते समय 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें, और अभिषेक करने के बाद शिवजी पर ताजे बेलपत्र, धतूरे, घी, शहद, इन सभी चीज़ों का भोग लगाकर अर्पित करें, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। शिव पुराण में बताया गया है ये उक्त चीज़ें शिव को अत्यंत प्रिय होती है, जिससे प्रसन्न होकर सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। सामान्य रूप से सभी देवी देवताओं की प्रतिमा, मूर्ति जो होती है इनकी पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक वैज्ञानिक कारण बताऊंगा। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी करनी चाहिए, क्योंकि जलधारी को लांगा नहीं जाता। शिवलिंग की परिक्रमा आधा करके वापस आ जाना चाहिए, और शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू करनी चाहिए, साथ ही जलधारी तक जाकर वापस लौटाएं और दूसरी परिक्रमा वापस करें। इस प्रकार विपरीत दिशा से लौट कर आने से आपकी एक पूरी परिक्रमा हो जाएगी। परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए, साथ ही परिक्रमा वहीं ख़त्म करें जहाँ से आपने शुरू की थी। ये भी ध्यान रखें परिक्रमा के बीच रोकने से पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान मन में किसी प्रकार की निंदा, बुराई, क्रोध, तनाव आदि विकार ना आने दें, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। शिवलिंग की जलहरी को ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना गया है। यदि परिक्रमा करते समय इसे लांगा जाए तो मनुष्य को शारीरिक परेशानियों के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा की हानि भी सामना करना पड़ सकता है। इसे ना लांगने के पीछे एक वैज्ञानिक वजह भी बताई गई है। वैज्ञानिक पहलू से अगर हम बात करें तो भारत का रेडियो एक्टिव मैप देखने से पता चलता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन सबसे अधिक पाया जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग के आकार और एटॉमिक रिएक्टर का सेंटर का जो आकार होता है उसमें काफ़ी समानता पाई जाती है। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा समाहित हो जाती है कि इसे लागने से व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसी मान्यता है शिवलिंग शिव और शक्ति का प्रतीक भी है। शिवलिंग का एक हिस्सा योनि स्वरूप शक्ति को समर्पित है, जिसे निर्मली या फिर सोम सूत्र भी कहा जाता है। ऐसे में शक्ति के किसी भी प्रतीक को लागना अशुभ और अपमानजनक माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग की आदि परिक्रमा की जाती है। इसके अलावा
इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी और मेहंदी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये देवी पूजन की सामग्री है। साथ ही साथ भगवान शिव जी को खुश करने के लिए महिलाएं व्रत रखती है, लेकिन महिलाओं को, खासकर कुंवारी कन्याओं को, शिवलिंग को हाथ छूने की इजाज़त नहीं है। ऐसा क्यों है? शायद ये प्रश्न हर लड़की के मन में आता होगा। इस बारे में जानने के लिए शिवलिंग की पूजा से जुड़ी एक मान्यता बताता हूँ। शिवलिंग यानी लिंग जो होता है वो पुरुष का एक अंग होता है, इसलिए कुंवारी महिलाओं को इसे नहीं छूना चाहिए, बल्कि पुरुषों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर महिलाओं को शिव जी की पूजा करनी भी है तो पूरे शिव परिवार के साथ पूजा करें, अकेले शिवलिंग की पूजा ना करें। रामायण काल में भी माता सीता जी ने माँ पार्वती की पूजा की थी। जी हाँ, रामायण में उल्लेख है कि देवी सीता ने माँ गौरी के पूजन करके अपना श्री राम के मन के रूप में मनचाहा वर पाया था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है महिलाओं को शिवलिंग को छुके पूजा करने से माँ पार्वती का प्रकोप झेलना पड़ता है। महिलाओं को भोलेनाथ की पूजा करनी है तो शिव पूजा की मूर्ति के रूप में करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर पूरे शिव जी की पूजा करें तो विशेष लाभ मिलता है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी शिव पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। ऐसी दिलचस्प जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर से संपर्क करें। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई समस्या है और वो कोई समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।